अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सुबह 5:30 बजे का टाइम है, बारिश हो रही है, अल्लाह का शुक्र है बारिश हो रही है। मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये मानसून का मौसम तो बहुत ही चिपचिप गर्मी है, लेकिन इस मौसम का एक फ़ायदा है, आप जहाँ पर भी पौधा लगाओगे, जो भी कुछ भी करोगे, फटाफट लग जाएगा। आपसे मैंने कहना था कि आप जो भी फल खाते हैं इस मौसम में, फ्रूट वगैरह, आम, आड़ू, फरमानी वगैरह, जिसकी भी किसी की चीज़ की भी गुठलियाँ, जो भी जितनी भी गुठलियाँ हैं, आप फेंका ना करें, वेस्ट ना किया करें, अपने घर के गमलों में लगा दें या बाहर रोड पे जाते हुए कहीं पे भी फेंकेंगे, वो उसी वक्त लग जाएगी, ग्रो कर जाएगी, वो वेस्ट नहीं होगी। आप प्लीज़ अपने सबके लिए हेल्प करें और रोक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दाख लगेंगे, पोल्यूशन ख़त्म होगी और लोग फल खा सकते, गरीबों का भी भला हो जाए। फल ना से ही तो छाँव में तो बैठ सकते हैं। और एक और काम भी, देखिए कितनी धूप निकल आई है, आप परिंदू के लिए पानी भी ज़रूर अपनी छतों पे रखा करें और उनको खाना शाना दाना भी डाला करें। हमारे इतने नवाब हैं, बाजरा नीचे फेंक देते हैं और जो है ना फिर चावल और रोटी सादा नहीं खाते, सालन में मिक्स करके इनको देती हूँ तो खाते। प्लीज़ आप भी इनके लिए ज़रूर रखा करें। आज मैं आपको बता रही हूँ ग्रिल स्टीम चिकन कैसे बनाते हैं ईजी वे में। इसमें ऑयल भी बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ईजी तरीका है, घर में आप आराम से बना सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, उसको दही लेना है आधा पाव, उसमें नमक मिर्च, आप तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैं तो घर के मसाले डालती हूँ। दही में नमक मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लेमन, ज़रदा रंग, कलर आप जा आप अकॉर्डिंग टू अपनी मर्ज़ी डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। और उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैं डालती हूँ। और अब ज़ीरा और धनिया को हल्का हल्का सा भून के और उसको आप इसमें और हल्का सा वो जैसे दरदरा नहीं होता वैसे कर लें, और इसमें एक लेमन डलता है। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके दही में, और फिर इसको इस पर लेग पीस को मैंने पहले धो के अच्छी तरह से इनको अच्छे से इसको कट लगा लिया, और इसको कट लगा के नमक और सिरका लगा के रख लिया है। हाफ 2 टेबल स्पून सिरका और 1/2 टीस्पून नमक लगा के रख दिया, क्योंकि नमक बाद में दही वाले इंग्रेडिएंट्स बैटर में भी यूज़ होगा। मैं अभी आपको मिक्स करके बताती हूँ। इसमें मैंने सारे मसाले मिक्स कर, अब इस सारे बैटर को हमने लेग पीस पे लगा दिया और इसको 1 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख देंगे। वैसे तो आप ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मैं अभी मुझे इसी वक्त बनाना है तो मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी मैरिनेट करके। चलिए जी, अब 1 घंटा हो गया मैरिनेशन का। अब मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया, इस ग्रिल पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। देखिए बिल्कुल हल्के सारे हमने इसमें फ्राई, अब हम इसे चेक करेंगे कि कितना सॉफ्ट हो गया है या नहीं। तो देखिए कितने अच्छे शेड का कलर आ गया है। फिर थोड़ा थोड़ा सा पैच करेंगे पैचला की मदद से, क्योंकि हम वुडन पैचला यूज़ करेंगे क्योंकि ये नॉन स्टिक है। इसको ऐसे पैच करेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छा सा इनका जो पानी वगैरह है वो खत्म हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब ये पक जाएंगे तो हम इनको साइड से, अब ये अच्छे से कुक हो गया दोनों साइड से, अब हम इसको स्टीमर में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए स्टीमर, मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें जो पैन रखा है, एक बॉल रखा है, नीचे स्टील का स्टैंड रखा है। आप भी कुछ ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके ओवन है तो ओवन में कर लें, नहीं तो मैं इसी में स्टीम करती हूँ। अब इसमें शिफ्ट कर दिए हैं, अब मैंने सब इसमें शिफ्ट कर दिए, और जो बचा हुआ बैटर है मैं इनके ऊपर पोर कर दूँगी, ताकि देखेंगे फाइनल। अब ऐसे करेंगे आप ऊपर तो आराम से उतर जाएगा, और कितना सॉफ्ट मॉइस्ट हो गया और टेस्ट भी बहुत अच्छा है मेरे भाई ने। ओहो, मुझे डिश आउट करना याद ही नहीं रहा, बस सब ने खा लिया तो मुझे याद आया इसको डिश आउट भी करना। मेरा बेबी खिली खिली कड़ है, गर्मी में ये सुस्त हो गया, सर्दियों में एक एक दो दो घंटे बॉल के साथ खेलता था, इतना खेलता था। हाँ, इसके जितने भी, इसको मिनी बॉल्स ज़्यादा पसंद है, इसके जितने भी बॉल्स हैं वो सब इसने सोफ़े के नीचे घुसा देता है, फिर हाथ मार के उनको निकालने की कोशिश करता है टेबल के नीचे से। और अभी गर्मी की वजह से ये बहुत लेज़ी हो गया है, बेचारे को बहुत गर्मी लगती है और सफोकेटेड वेदर है, इस वजह से मानसून में ज़्यादा ही बेचारा सुस्त रहता है। इतना वीक हो गया ना मेरा छोना पाला बेबी, शितू बेबी, मैं जानू किली किली कर रहा है, आज न्यू बॉल मिला ना इसको। ओए कोई ये, और ये कोई आम बिल्ला नहीं है, ये पर्शियन बिल्ली का बेटा है, ये लंबे बाल वाली वाइट पर्शियन बेबी, इसकी मम्मी है।
और ये इसका बाप इस तरह का था इस तरह, लेकिन इसके फेस जो है ना बिल्कुल पर्शियन इसकी मम्मी जैसा है माशाल्लाह। और स्टोरी मैं फिर सुनाऊंगी, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे टैग किया, अगर आप बनाते हैं तो इंस्टा पे ट्राई कीजिएगा, इंस्टा का मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया और इसमें भी लिख दिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।